हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी हम आए हुए थे मेले में, हरियाली अभवंश का जो मेला लगता है उदयपुर में, वहाँ पे भी आया हुआ था और अभी मेले में घूम रहा हूँ। मैंने सोचा कि एक बार आपको भी दिखाते हैं, इस वजह से आया था। मेरे को ज़्यादा तो मेले में जाने का शौक है नहीं, पर अभी आपको दिखाने के हिसाब से ही एक बार शाम को अभी आया हुआ था। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और ये पूरा जो मेला जो लगता है वो सेरियों की बाड़ी जो है वहाँ पे मेन रोड है, उसी रोड पे ही ये मेला लगता है। और यहाँ पे उसकी ये दो दिन के लिए ये पूरी रोड जो है वो पूरी बंद कर दी जाती है, और यहाँ पे ये इस तरीके से स्टॉल्स वगैरह लगती है। और तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ और काफी सारे ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी अपन स्टॉल्स के पास चलते हैं। ये दो दिन के लिए लगा है मेला, आज मैं हरियाली अभवंश के नेक्स्ट डे आया हूँ। कल थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से आ नहीं पाया था। कल आने का प्लान था पर इसलिए आज आया हुआ था, पर पहला मौका वही है। तो अभी ये देखिए आप, मतलब आज इतनी भीड़ है पहले पे, तो ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि कल तो क्या होता है, और अभी तो हम शाम के समय आए। बाकी दिन के समय क्या होता है ना कि विलेज से लोग काफी ज्यादा आते हैं, और गाँव से आस पास से, तो
अभी इतनी ज्यादा भीड़ है, जो कि अभी लगभग टाइम हो रहा है शाम के 9:30 बजे, और अभी भी अगर इतनी भीड़ है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल कितनी भीड़ रही होगी। ये देखिए बच्चों के लिए खिलौने। जब छोटा था तो मेरा बहुत क्रेज रहता था खिलौनों के लिए, और अब वो सारी यादें जो है वो वापस ताजा हो जाती है। एक्चुअली जब भी मेले में जाता था तो खिलौनों के लिए ही मेले में जाना होता था कि खिलौने लाएंगे मेले में जाएंगे तो ये सारी चीजें तो लेडीज लोगों के लिए है, तो सारी चीजें दिखाते हैं। क्या क्या है इसमें? तो अभी एक सामने की तरफ एक स्टॉल लगा हुआ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 100 रुपए के 3 परफ्यूम, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और देख करके आते हैं क्या है। लेना अपने को नहीं है, पर एक बार देख के आते हैं क्योंकि 100 रुपए में 3 कैसे देते हैं ये बस देख रहा है। अभी दिखाए ये जो परफ्यूम थे इसमें 3 प्रेगनेंट थी और ये 100 रुपए के 3 दे रहे थे। ये शॉक्स वगैरह कितने के? 100 रुपए का पैकेट है। 100 रुपए का पैकेट है, पैकेट में 3 जोड़े आएंगे। इसमें भी 3 ही है, ये भी 100। ये सारे बैग्स जो आप देख रहे हैं ये 100 रुपए के हैं, तो अभी आप देख रहे हैं अगर कोई बैग समझ में आता है तो, ताकि कभी कुछ छोटा मोटा सामान इधर उधर ले जा रहा हो तो कैरी कर पाए। दिख तो अच्छा रहा है, कलर क्या कहता हूँ, कलर कौन सा ले तो ले। ये वाले मोटे है क्या? ये थोड़े मोटा है कपड़ा, देख सकते हैं। और ये जो पीसेज है ये भी 100 रुपए।
तो अभी डिसाइड कर रहे हैं, ये वाला जो है थोड़ा मजबूत लग रहा है और ये इसकी जो है पैटर्न वगैरह काफी अच्छे लग रहे हैं, तो अभी कंफ्यूजन है। हाँ ये एक तरीके से परफेक्ट लगा है, ये परफेक्ट है, हाँ ये परफेक्ट है। तो अभी एक भी इन वाले में से देख लेते हैं, एक तो हमने ये फाइनल किया है, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला फाइनल किया है और अभी एक और इनमें से पसंद कर रहे हैं ताकि मम्मी के लिए भी एक हो जाए। ये भी अच्छा दिख रहा है ना, यस। yes, तो अभी भैया पेपर खाली कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि पेपर जो है वो अब हमारे पास रखेंगे। बाकी ये बैग अच्छे थे, 100 रुपीज पे ये बैग जो है वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो अभी हमने 2 बैग लिए है यहाँ से। yes, तो कोविड के बाद ये कर्कोट का मेला लगा था हमारे राष्ट्र में, पर वहाँ पे अब जा नहीं पाए थे क्योंकि कुछ काम था हमारे साथ, कंस्ट्रक्शन से ही कुछ काम चल रहा था, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया। पर अभी यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मेला है कोविड के बाद का मेरा, तो इससे जिससे आप आए हैं, तो अभी तो यहाँ के बजे लीजिए आप। लाइट सब काफी सारी इसको बंद करवा दी गई है, इस वजह से दिक्कत में भी आपको। की तरफ आप देख सकते हो वहाँ डॉलर वगैरह लगी हुई है, तो जो कि अब तो बंद करवा दी है शायद इन्होंने, और एक बार वो भी आपको बता देते हैं, ये सामने की तरफ लगी हुई है, शायद एक लास्ट राउंड अभी और करवाएंगे, बाकी उसके बाद बंद कर देंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो अभी मेला अब खाए पिके पिएंगे और उसके बाद घर के लिए वापस निकल जाएंगे, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।